अस्सलाम वालेकुम मेरा ये ब्लॉग हो रहा है यहाँ से स्टार्ट। अभी मैं जा रही हूँ कोल्हापुर, कोल्हापुर में हमारी अम्मी के घर जा रही हूँ, है ना। वहाँ पे कल घर की ओपनिंग है और कवाली गए, तो देखो ये हमारे भाई के बच्चे के लिए, एक मेरी तरफ से एक पठान की तरफ से, वो बच्चे को कपड़े, छोटा बच्चा उसको, और ये दो हमारी भाभी को, एक मेरे तरफ से एक पठान की तरफ से, हाँ, और ये अम्मी को जो हमारी मम्मी है, एक पठान दोनों को एक एक, हाँ, और ये हमारे भाई को पठानी, ये दोनों को मम्मी को, ये लोगों सबको कपड़े साथ में साफा, तुम्हारा साफा तो आ गई थी देखे चल रहे, ये मेरा कपड़ा और ये मेरा इधर मेरा छोटा बहुत खाने का, और ये कुछ लेके जा रहे हैं हम लोग सामान, लिफाफा कहाँ गया और ये लिफाफा कुछ गिफ्ट दे लेके आ रही भाई घर में। अब भी मेरा जाने का हुआ, कंटा ला रहा था बहुत कुंडे की नियाज में, थम गई थी और जरा भी मुड़ने था जाने का, लेकिन मम्मी चिल्ला रहे थे, पठान चिल्ला रहे थे, सहेली लोग चिल्ला रहे थे, तो फिलहाल हम लोग निकले अभी जाने के लिए। और ये कुछ मिठाई है, तो मिठाई भी लेके जा रहे हैं हम लोग, अब घर ओपन में मिठाई तो ज़रूरी है, हाँ, इसके लिए मिठाई लेके जा रहे हैं। हाँ, दुआ करना हम लोग सब लोग अच्छे से कोल्हापुर पहुँच जाए, चलो पहले खाना खा लो, कोल्हापुर जा रहे हैं हम लोग बाय रोड, तो दुआ करना हाँ सब लोग, तो हम लोग खैर खैरियत से पहुँच जाए, खैर खैरियत से आए, ठीक है। और मेरे कुंडे की नाज भी सब लोग देखना कैसा है, हाँ, चलो आ रही हूँ अभी, मेरी सरकार से रुख्सती ले रही हूँ कि मेरे घर में सरकार खैर खैरियत आखिर से पहुँचा दे मुझे, है ना, मेरा घर दार, मेरे बाल बच्चे सब मेरे सरकार के हवाले छोड़ते जा रही हूँ ना। और हर बार मैं जाती हूँ तो मैं यही दुआ मांगती हूँ मेरे सरकार से कि मैं सरकार के हवाले मेरे घर दार बाल बच्चे सब छोड़ के जाती हूँ, तो दुआ करना हमारा सफर आसान हो और मेरे बाल बच्चे खैर खैरियत से रहे, हाँ। चलो चलो तभी मैं निकल रही हूँ, अरे भाई अभी मैं से मैंने लाई थी चप्पल, कैसी लग रही है बताना, माशाल्लाह जगह मगाना मला बगा ऐसी चप्पल है ये, मस्त लग रही है, कैसी करते इसको ऐसा, हाँ, इसमें कुछ उल्टा सीधा मालूम भी नहीं पड़ता है। और कल देखो सब लोग आए थे उधर, गिफ्ट रखा हुआ है अभी, उसका भी वीडियो नहीं बनाई मैंने, उसका भी वीडियो बनाने का, फिर ये घड़ी किधर लगा देने, हाँ, हाँ। और ये हेलमेट आपको घर में रख देना, घर में ज्यादा ध्यान रखना नहीं ना, नहीं, और वो मेरा ड्रेस भी उधर रख देना, मेरे सलमान का भी किधर रख देना, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, सब सामान ले लेना मैंने, हाँ, बाय, अल्लाह हाफिज, चलो जाओ सामान, क्या हाँ फिर हमारी सवारी चार रही थी और दुआ कर के सफर थी, और मेरा आपको तो आगे बैठाई तो सुनो आपको काज करो ऐसे, हाँ पढ़ो दुआ, हाँ सफर की दुआ भी पड़े गई, अभी निकल रहे आगे से भी समंदन को लेने का है और अन्न को लेने का है, हाँ चलो दुआ करना हमारा सफर आसान है, अल्लाह हाफिज़। तो आइए हमारे साथ में, देखो अभी समंदन गया, समंदन भी मिल गई, मैं बोली थी ना हम लोग समंदन, हम लोग जा रहे, और अभी हम लोग पूना एक्सप्रेस हाईवे पे रुके हैं, यहाँ पे अभी कुछ खाएंगे पियेंगे फिर हम लोग आगे निकलेंगे, हाँ है ना समझा, हाँ अभी कुछ खाएंगे पियेंगे फिर आगे निकलेंगे, हाँ। फिर आगे का वीडियो डालेंगे तुम, हाँ, हाँ, क्या क्या हंसी मजाक कर रहे सब बताएंगे, सब बताएंगे, वेट एंड वॉच, अरे भैया अन्नू शादी का पूछ रहे सब रास्ते में मिले हम लोग, अभी आपको मेरा बनाएगा वीडियो, हाँ ये देख सब ले, हाँ और अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ है, कुछ ना कुछ तो खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है, बाद में कोई ढाबे पे रुकेंगे खा लेंगे, है ना, सैंडविच खाना खा के निकली थी, लेकिन फिर भी भूख लगी, अभी खिलाना अंदर कोई है ही नहीं, एकदम खाली
मेरे फेवरेट शिव भी है तो वो तो खाऊंगी। चलो चना चना मकाई तो एक चना था, तू क्या खाएगा? दुकान बंद हो गई थी, पता नहीं गरम गरम भुजिया बनाने लगा रहा है। बंद हो गई थी दुकान पर, मैं चालू कर रहा हूँ होटल खुल रहा है ना, क्योंकि मुझे खाना था कांदे का भुजिया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए दुकान खुला के लिए बनाने लगा है। सब साफ सफाई सब चालू है, गरम गरम भुजिया आ गए। ये कांदे के भजिए एकदम गरम गरम बने ना, बहुत ही ज़्यादा गरम गरम ही है। और देखो चटनी बिटनी और देखो सब साफ सफाई चालू है, फिर भी बेचारे ने गरम गरम भजिया बना के दिया। इनके सेठ लोग देखो अंदर बैठे हैं, बेचारे एकदम गरम गरम बना के दिए कि सब बंद हो गया था। देखो भजिया एक नंबर बना, थैंक यू गरम गरम भजिया बनाने के लिए, है ना समझन? एक नंबर बना देखो वाले कार्य में बंद होने के बाद में बेचारे ने बयान आ दिया सेठ ने पठान के। हां तुम्हारा नाम ले, तुमने ही तुमने ही बनाया, वही बोलने को भूख लगी। हां ये हम है लोनावाला घाट पे। हां नीचे का नजारा देखो, बीच में झाड़ इसके ऐसा दिख रहा है, क्या खूबसूरत नजारा है। अरे घाट तो देखो हमेशा सदा बाहर ही रहता है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है ना। अभी कब सब खाली धीरे धीरे टुकुर 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 चल रहे, अभी आधा घाट भी नहीं चढ़े ना अपन, और अभी बहुत ट्रैफिक है। देखो बाहर भी बताती हूँ कितनी ट्रैफिक है ना, ये हमेशा सदा बाहर ही रहता है। देखो मेन तो जो बड़ी बड़ी ट्रक रहते हैं उसके वजह से ना, देखो यहाँ से दूर दूर से लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और हम लोग बैठे गाड़ी में, अभी जब एकदम फुर्सत से है, कहाँ तक का ट्रैफिक है एकदम फुर्सत, अभी हम बैठे हम लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग समदान। और ये हमारी गांव की सुबह, हाँ एकदम गांव के यहाँ और मस्त। यहाँ पे तो इतनी ठंडी है ना कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा ठंडी है। अभी हो गई है देखो, धूप ही निकल गई है लेकिन फिर भी एकदम ठंडी ठंडी लग रही है, क्योंकि इतने सारे इधर खेत है, है ना। और ठंड इधर ठंड तो अभी भी है माशाल्लाह, ये एक नंबर ठंडी है। ये कांच तो अभी मैं वीडियो बनाने के लिए खोली थी तो हम लोग कांच भी नहीं खोल रहे थे, इतनी धूप है फिर भी ठंडी लग रही है माशाल्लाह। ठंड का ऐसा सीजन हो रहा है बम्बई में, तो अभी दूर दूर तक ठंडी लग नहीं रही है लेकिन इधर लग रही है, ठीक है। और आगे का अपडेट मैं देती रहूंगी मेरे ब्लॉग में। दूर दूर सलाम वालेकुम, देखो अभी पहुंच गए और हमारी माँ का रोल तो देखो, ओ माशाल्लाह कश्मीरियन बनी,
नहीं नहीं ये देखो मेरी माँ अम्मी अस्सलाम वालेकुम। ठंडी ज्यादा लग रही तुमको? बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे लोग आए, सबसे बड़ी खुशी मेरे को अरे बाबा अम्मी दुआएं मांग माँ मेरे बच्चे अल्लाह साथ खैरियत के लेकर आ जाए। अमीन आए ना हम लोग पहुंचे हुए आखिर में हाँ। और सबसे बड़ी खुशी राजू आया ओ साना डाली हाँ। हम लोग अभी पहुंच गए और अभी देखो नाश्ता आ रहा है हाँ, आमलेट रोटी ब्रेड बटर जाम और हम नोवर आफ्रीदी खा रहे हैं। तुम लोगों को सफर कैसा लगा? रास्ता ही नहीं कट रहा था ना, और माशाल्लाह बाहर का नजारा भी बहुत प्यारा है। हम लोग पहुंच गए कोल्हापुर और यहाँ पे देखो मेहंदी लगा रहे, मैं भी लगाई हुई देखो हाँ, समदन भी लगा रहे हाँ ये देखो। और अन्नू खा रहे क्या खा रहे? अन्नू खीर पूरी खा रहे हाँ ये देखो खीर और करंजी। और यहाँ पे सब मंडप की तैयारी हो रही, कितना मस्त लोकेशन है ना देखो, दूर दूर तक घर नहीं है देखो, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पहाड़ और यहाँ पे होगी कव्वाली, अभी स्टेज बन रहा है देखो, और बहुत मस्त लग रहा है। मस्जिद है यहाँ पे देखो, और हवा तो इतनी है कि मैं क्या बोलूँ, देखो कुर्सी उड़ के जा रही है देखो हवा से, इतनी हवा है। मेरा लो थोड़ा ऐसा पकड़ो, और यहाँ पे इतनी हवा है कि देखो मेरे बाल ऐसे उड़ रहे और ये कुर्सी सब हवा से उड़ के गिर रही है, इतनी हवा इधर पंखे की एसी की जरूरत नहीं, हमारे कपड़े उड़ रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग भी उड़ जाएंगे देखो, कुर्सी कैसे गाँव की नदी है और यहाँ पे आते कपड़े धोने और हम जा रहे अभी हाथ मुँह धोने। जामुन का झाड़ है कौन सा? ये जामुन का झाड़ नहीं है, नहीं जामुन के ना करवंदे सॉरी करवंदे। मच्छर है उसके ऊपर, ये है हमारा नेसर पार्क, ऐसा लग रहा है नेसर पार्क आया। मेरे दादी नहीं आ रहे इधर बैठ गया इधर देख के नाच। अच्छा डांस कर गाने पे मेरा कर कर रुसन कर, मैं हम लोग गाते चल। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा ये समा ऐसे में है तू कहा, मेरा दिल ये पुकारे आजा।